मराठों पर अधिकार से पहले थोड़ा मराठों का इतिहास जो है वो देख लो बिल्कुल ब्रीफ। आपको पता है 1627 के अंदर शिवाजी के द्वारा किसकी मराठा साम्राज्य की स्थापना की जाती है, मराठा साम्राज्य की स्थापना करती है। तो शिवाजी जो है वो 1627 से लेके 1680 तक शासन करते हैं। 1680 के बाद में इनके जो दो पुत्र हैं, दो पुत्र होते हैं, एक होता है संभाजी, ये जो शासन करते हैं 1680 से लेके 89 तक। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में इनका जो भाई है राजा राम, वो मराठा जो है वो छत्रपति या फिर मराठा शासक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि संभाजी का जो पुत्र है साहू, ये जो है वो मुगलों के कैद के अंदर होता है, मुगल कैद खाने के अंदर, मुगल कैद में, ये लिख देते हैं मुगल कैद में होता है। तो संभाजी के बाद में कौन बनता है? राजा राम। कहां से कहां तक? 1689 से 1700 तक ये जो है वो छत्रपति बना हुआ था। लेकिन अब उस समय मुगलों के कैद में साहू मुगलों के कैद के अंदर रहता है। तो 1700 के अंदर राजा राम की मृत्यु के बाद में इनकी जो पत्नी है ताराबाई, कौन? ताराबाई, ये जो है वो शासक बनती है। और ये 1700 से लेकर 1707 तक जो है वो शासन करती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी है। 1707 के अंदर औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो साहू को मुगल कैदखाने से आजाद कर दिया जाता है। यानी ये जो मुगल कैद के अंदर होता है ना साहू, इसको कब? 1707 के अंदर मुगल कैद खाने से आजाद कर दिया जाता है। 1707 के अंदर मुगल कैद खाने से आजाद कर जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। तो जब ये 1707 में आजाद होके आता है तो इसका और इसकी चाची है, तो चाची लगी ताराबाई, इसके बीच में संघर्ष की शुरुआत होती है। और बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से साहू जो है वो इसको पराजित करता है और साहू जो है छत्रपति बन जाता है। और इसी के बाद से पेशवाओं का और साहू जो है वो बनता है। और ये साहू लगभग कहाँ तक? 1707 से लेकर 1749 तक छत्रपति बना हुआ रहता है। कौन इसकी सहायता करता है? बालाजी विश्वनाथ। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये क्रोनोलॉजी आप अच्छे से नोट कर लेना इसी तरीके से, ताकि आपको क्या है कि समझ में आ जाए शिवाजी से लेके कहाँ तक जो पेशवाओं का इतिहास, और इस बालाजी विश्वनाथ है इसी से जो है वो पेशवाओं का इतिहास शुरू होता है। जो छत्रपति होता है वो लगभग नाम मात्र का रहता है, इतनी उनके पास शक्ति, युद्ध वुद्ध सब कुछ करने का अधिकार जो है वो पेशवाओं के पास चला जाता है। ठीक है ना? अब मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे जो शुरुआत हो रही है वो है बालाजी विश्वनाथ की। ये इतना हमें, मैं इसको मिटाता हूँ। अच्छा, इसको तो रहने दो। बालाजी विश्वनाथ ये लगभग 1720 तक शासन करता है, और इसी के समय पेशवाओं के इतिहास की, मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के इतिहास की शुरुआत होती है। 1700 लगभग 1719 के अंदर, सॉरी 1719 के अंदर इनका जो है वो मुगलों के साथ समझौता होता है। 1719 में मुगलों के साथ इनका समझौता हो जाता है। इस समझौते की क्या शर्त थी? मुगलों के साथ समझौता होता है, दोनों जो है वो आपस के अंदर एक दूसरे को पर आक्रमण नहीं करेंगे। मुगलों ने इनको कहा कि आप जो इनके जो क्षेत्र है मराठा क्षेत्र, वहाँ से आप राजस्व वसूली का अधिकार है। लेकिन मुगलों के साथ समझौते में एक शर्त होती है कि ये मुगलों को आप सैनिक सहायता दोगे। तो इसके समय जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मुगलों से समझौता, एक ही सबसे इम्पोर्टेंट, मुगलों से समझौता हो जाता है। इसके बाद में जो पेशवा बन के आते हैं, पेशवा बनता है वो है बाजीराव फर्स्ट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के समय मुगलों इसका सॉरी मराठों का सर्वाधिक विस्तार होता है। और जो बाजीराव मस्तानी मूवी बनी हुई है ना, वो इसी पेशवा के ऊपर बेस्ड है, जो रणवीर सिंह ने जिस पेशवा का रोल निभाया था वो बाजीराव फर्स्ट ही था। ठीक है ना? तो अगला जो पेशवा था वो है बाजीराव
फर्स्ट या प्रथम, ठीक है ना, इसके समय सर्वाधिक विस्तार, मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, इसके बारे में ये कहा जाता है कि शिवाजी के बाद में अगर कोई छापामार युद्ध प्रणाली का सबसे बड़ा जानकार था तो वो ये बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम छापा शिवाजी के बाद में किस, कौन सी पद्धति का युद्ध पद्धति, छापामार, छापामार युद्ध पद्धति। ये पद्धति क्या होती है कि आक्रमण करना, पहाड़ों में छुप जाना, दुश्मन की सेनाएं, फिर उसको पर आक्रमण करना, दुश्मन को समझ में ही नहीं आ पाता कि किस तरीके, किस तरफ से और किस रणनीति के साथ जो है वो आक्रमण किया जा रहा है, ये पद्धति थी। और इसके बारे में अटक से लेकर कटक तक मराठा साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। ये इधर है मराठा, ये मुंबई पुणे, ये मराठों का साम्राज्य था, ठीक है ना। इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है बालाजी बाजीराव। कौन बनता है, बालाजी बाजीराव। इसका जो टाइम पीरियड अगर आप ध्यान रखना चाहो तो 1720 से लेकर 1740 तक इसका टाइम पीरियड था। इसके बाद में शासक बनता है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इसका टाइम पीरियड 1740 से लेकर 1761 तक, पानीपत का तृतीय युद्ध तक। वो पानीपत के युद्ध के ऊपर भी आपको बताया, अभी मूवी आ चुकी है, ठीक है ना। पानीपत के तृतीय युद्ध तक इसका समय होता है और इसी पानीपत के युद्ध में इसके जो पुत्र और सेनानायक जो विश्वासराव है उसकी मृत्यु के बाद में ये बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है और उस हार की वजह से जो है उनको आघात, भीतरी आघात पहुँचता है। मतलब कि जैसे कहे कि मतलब दिल का दौरा, जो पुराने बातें, मतलब पुराने समय में हम कहते हैं कि आघात लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ते हैं। बालाजी, आपको बताया, मैंने आपको बताया था साहू 1707 से लेके 49 तक ये बनता है और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1740 से लेके 1761। तो इसके समय जो अगला जो छत्रपति बनता है ना वो बनता है राजाराम सेकंड। इसके साथ बालाजी बाजीराव की सांगोला की संधि होती है। कौन सी संगोला, और इस संधि के तहत जो है वो संपूर्ण अधिकार किसके पास केंद्रित हो जाते हैं, मराठों के पास, और पेशवा की जो है पूना जो है वो पेशवा का केंद्र बन जाता है, यानी सांगोला की संधि होती है। और इसके बाद में ये केवल एक नाम मात्र का बनता है छत्रपति, ठीक है ना, ये होता है। और इसके समय जो सबसे निर्णायक बात ही जो है ना बालाजी बाजीराव के समय वो है पानीपत के युद्ध, वो उसको देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 में। इसमें जो है वो अफगान, पॉइंट ए, अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया, अफगान सेना का नेतृत्व किया अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने, अब्दाली ने। और इधर मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया, मराठा सदाशिव भाऊ, सदाशिव भाऊ और विश्वासराव, विश्वासराव के द्वारा मराठा सेना का नेतृत्व किया। और इसी युद्ध के अंदर जो मराठों की जो तोपखाना का नेतृत्व था इब्राहिम गार्दी ने, किसने, मुस्लिम था, इब्राहिम गार्दी ने तोपखाने का नेतृत्व किया। इस युद्ध के अंदर जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर मराठों की पराजय होती है और अफगान सेनापति जो है अहमद शाह अब्दाली, इसकी विजय होती है। अब ये युद्ध इतिहास में इतना निर्णायक युद्ध क्यों है, इसी के बाद में अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि भाई मराठों को, अब मराठों के साथ संघर्ष करना आसान है और मराठों को हराना आसान है। पानीपत का हर युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद में जो विजेता होता है वो अगला शासक बनता है, लेकिन इस ये पहला युद्ध है जिसने ये नहीं बताया कि अगला शासक कौन बना, इसने ये कह दिया कि हिंदुस्तान के ऊपर अगला जो शासक है वो कौन नहीं होगा। इसने ये निर्णय नहीं किया कि अगला शासक कौन होगा, इसने ये निर्णय किया कि अगला शासक कौन नहीं होगा। मराठों जो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे वो इसके युद्ध के बाद में ये तय हो गया कि हिंदुस्तान के ऊपर उनका, मुगलों के बाद में जो है वो मराठे जो है वो दिल्ली को ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस युद्ध में काफ़ी निर्णायक मराठों की
पराजय होती है। इसके इसी युद्ध में हार के बाद में बालाजी बाजीराव की जो है वो ये जो ये सदाशिव भाऊ जो है बालाजी का पुत्र होता है, ये सेनापति होता है। इन दोनों की मृत्यु के बाद में इसकी भी जो है वो मृत्यु हो जाती है और अगला जो पेशवा बनता है वो बनता है माधवराव प्रथम। कौन बनता है? माधवराव प्रथम। बहुत योग्य व्यक्ति था, कम उम्र के अंदर भी था लेकिन बहुत योग्य व्यक्ति था माधवराव प्रथम। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1761 से लेकर 1772 या 73, हाँ 72 तक ही है माधवराव फर्स्ट। इसने क्या किया कि ये जो पानीपत की पराजय हुई थी ना, इस पानीपत की पराजय का जो नकारात्मक परिणाम मराठा साम्राज्य के ऊपर पड़ने वाला था ना, उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया, क्योंकि ये एक योग्य सेनापति था। यानी पानीपत की जो पराजय थी ना, पानीपत की पराजय उस पराजय का जो प्रभाव था उसको काफ़ी हद तक कम किया। इसी के समय जो महादजी सिंधिया थे, अब देखो कैसे बंगाल का मराठों के साथ जुड़ा हुआ लिंक है, वो पॉइंट आने वाला, ध्यान रखना। महादजी सिंधिया है ना, शाह आलम द्वितीय जो कहाँ था, अवध के वहां पर शरण पाया हुआ था, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम शुजाउद्दौला के साथ में था, अपदस्थ मुगल शासक, इसको दिल्ली का राजा बनाया। इसी के समय माधवराव प्रथम ने कहा कि शाह महादजी सिंधिया को भेजा और महादजी सिंधिया की सहायता से शाह आलम कहां पर बनता है, ये शाह आलम जो है वो दिल्ली का शासक यानी मुगल शासक बनता है। अब आप ये पढ़ रहे हो या फिर इससे पहले बक्सर का युद्ध पढ़ रहे हो, तब आपको देखना है कि शाह आलम का रेफरेंस अगले कौन से साम्राज्य के अंदर आने वाला है। तो माधवराव प्रथम के साथ आने वाला, किसने बनाया था, महादजी सिंधिया ने बनाया था, और कब बनाया था, पानीपत के युद्ध के बाद में, क्योंकि आपने देखा होगा कब हुआ था बक्सर का युद्ध, 1764 में, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1761 में, ठीक है ना। ये कब से कब तक, 71 से 72, तो 64 के अंदर बक्सर के युद्ध में हार गए, मुगल शासक बना नहीं, फिर गया इनके पास मराठों के पास, मराठों के पास गए तो मराठों ने इसको बनाया, क्योंकि ये माधवराव जो फर्स्ट था ये काफ़ी योग्य व्यक्ति था। अब माधवराव फर्स्ट के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी असमय, कितने साल इसने शासक किया, 9 और 2 2 11, लगभग 11 साल इसकी असमय मृत्यु मराठों के लिए पानीपत से ज़्यादा हानिकारक थी। अगर ये कुछ और साल, लगभग 20-25 साल अगर ये शासन कर पाता ना, तो मराठे अपना पुनः जो पुराने वाला गौरव था उस गौरव को प्राप्त कर सकते थे। इसके बाद में जो शासक बनता है नारायण राव, कौन बनता है, नारायण राव, ये बेचारा 1 साल रहता है, नारायण राव 72 से लेकर 73 तक, ठीक है ना। इसकी क्या है कि रघुनाथ राव के द्वारा जो है वो हत्या कर दी जाती है, रघुनाथ राव के द्वारा पेशवा बनने के चक्कर में विश्वासघात के साथ इसकी नारायण राव की हत्या कर देती है। नारायण राव की मृत्यु के बाद में अगला जो पेशवा बनता है वो बनता है माधवराव द्वितीय। कौन बनता है, माधवराव द्वितीय। अब माधवराव ये पेशवा बनने के लिए तो इसने इसकी हत्या करी थी, किसने, रघुनाथ राव ने, नारायण राव की, लेकिन इसको बनाते नहीं। इसके बाद में इसका जो छोटा पुत्र होता है अल्पायु का होता है माधवराव द्वितीय, माधवराव सेकेंड, कब से कब तक, 73 से लेकर 95 तक, 1773 से, हाँ टाइम पीरियड एक बार, हाँ 1773 लेकर 1795 तक ये पेशवा रहता है। ये क्या है, अल्पायु का होता है, रघुनाथ राव को जो है वो पेशवा नहीं बनाता, और ये रघुनाथ राव क्या करता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है, कहाँ चला जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है। अंग्रेजों के पास जाकर अंग्रेजों के साथ जो है वो सूरत की संधि करता है, किसकी, सूरत की संधि। अब ये संधि क्या है, इस संधि को समझ लो पहले, क्योंकि इसको पेशवा नहीं बनाता है ये पेशवा, अब अंग्रेजों के पास चला गया और बस अंग्रेजों को मौका मिल गया हस्तक्षेप करने का, बस अंग्रेज इसी की उम्मीद के अंदर थे, क्योंकि माधवराव मर चुका था, नारायण राव को इन्होंने इसने मार दिया, और ये था अल्पायु का,
और अंग्रेजों के पास मौका था, अंग्रेजों ने मौके पर मारा चौका। अंग्रेजों ने क्या किया, इसके साथ सूरत की संधि करी। सूरत की संधि के तहत यह था कि अंग्रेज जो है वो रघुनाथ राव को पेशवा बनने के अंदर मदद करेंगे, लेकिन अगर वो पेशवा बन जाता है तो उसको सूरत, सालसेट और बेसिन के जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को देना पड़ेगा, उसने मान लिया। ठीक है ना, अब आ जाते हैं इसके समय, क्योंकि जस्ट इसके बाद में ये बन गया पेशवा और संघर्ष तो इन्हीं के साथ होना अंग्रेजों का। तो रघुनाथ राव और इस अंग्रेज दोनों मिलकर इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। उससे पहले एक चीज इसके बारे में देख लेते हैं, ये अल्प आयु का होने के कारण एक बारह भाई परिषद का गठन किया जाता है। क्या, कौन सी? बारह भाई परिषद, और इसका जो प्रमुख होता है वो होता है नाना फडणवीस। ये अंतिम व्यक्ति बसता है जो मराठों के अंदर बहुत चतुर होता है, नाना फडणवीस जो बारह भाई परिषद का प्रमुख होता है। और इसी के समय, माधवराव के समय जो है वो अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में प्रथम संघर्ष होता है। और ये प्रथम संघर्ष कब से कब तक? 1775 से लेकर 1782 तक। दूसरा जो पॉइंट है, फर्स्ट युद्ध, तीन युद्ध होते हैं इनके बीच में भी, ठीक है ना। प्रथम युद्ध 1775 से लेके 82 तक ये युद्ध चलता है। अब ये काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चलता है। इस युद्ध के अंदर किसी भी पक्ष की, ना मराठों की ना अंग्रेजों की, निर्णायक हार होती है। अब हार होती है, अब काफ़ी लंबे समय तक, लगभग ये कितने 7 साल युद्ध चल जाता है, तो हार तक मतलब परेशान होकर जो है प्रथम युद्ध का जो समाप्ति सालबाई की जो संधि होती है उसके तहत, कौन सी संधि के तहत? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के तहत जो है वो युद्ध की समाप्ति करते हैं, और संधि के तहत मराठे जो वो अंग्रेज जो है वो माधवराव को पेशवा मान लेते हैं और रघुनाथ राव को का साथ छोड़ देते हैं, और शांतिपूर्ण संधि होती है, और इस युद्ध में किसी की मतलब की निर्णायक पराजय नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में 1795 तक माधवराव शासन करता है, माधवराव के बाद में। अच्छा, इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होता है, ध्यान रखना, क्योंकि 80 के समय वो मतलब आ चुका होता है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। माधवराव के बाद में अंतिम पेशवा जो होता है वो है बाजीराव सेकंड, 1795 से लेकर 1818 तक। इससे बाजीराव को देखने से पहले आपको एक चीज समझनी है, ताकि आपको बाजीराव को के बारे में समझना आपको आसान हो जाए। आप ये मान के चलिए कि ये इतने बड़े क्षेत्र को पर मराठा साम्राज्य मराठों का अधिकार है, लेकिन मराठे क्या है कि ये यहाँ पर किसी मराठा सरदार का, यहाँ पर किसी दूसरे मराठा सरदार का, यहाँ पर किसी दूसरे का, और यहाँ पर किसी दूसरे मराठा सरदार का अधिकार होता था। इसलिए मराठा जो राज्य था वो अलग अलग सरदारों में बंटा हुआ था। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये बड़ौदा के अंदर था गायकवाड़, नागपुर के अंदर थे भोसले, कौन थे? भोसले। ग्वालियर में थे सिंधिया, सिंधिया, और इंदौर में थे होलकर, कौन थे? होलकर। ठीक है ना, ये इस तरीके से मराठा साम्राज्य बना हुआ था। लेकिन जब बाजीराव सेकंड पेशवा बनता, इसके बाद में क्या होता है कि बड़ौदा होलकर से सिंधिया लड़ रहा है, सिंधिया से होलकर लड़ रहा है, होलकर से भोसले लड़ रहा है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं और आपस में पेशवा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है ना, और यही सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि मराठा साम्राज्यों का पतन हुआ। अब पढ़ते हैं किसको? बाजीराव सेकंड के समय जो है वो मराठों के बीच में आपसी झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि ये आपस में ही युद्ध करने लग जाते हैं। बाजीराव सेकंड, टाइम पीरियड 1795 से लेकर 1818 तक। ठीक है ना, ये बाजीराव जो सेकंड होता है ना, ये क्या करता है कि होलकर का जो भाई होता है, उस होलकर के भाई को विश्वासघात के साथ मरवा देता है। किसके? होलकर के भाई की हत्या ये करवा देता है। अब होलकर के भाई की हत्या, होलकर कहाँ है? इंदौर।
इंदौर का जो होलकर होता है ना, इसके भाई की हत्या करवा देता है। अब इस हत्या का बदला लेने के लिए होलकर जो है वो पेशवा के खिलाफ आक्रमण की घोषणा कर देता है। होलकर का भाई जो है वो आक्रमण कर देता है पेशवा के, पेशवा पर आक्रमण, पेशवा के ऊपर आक्रमण करता है, पेशवा पराजित हो जाता है और हारकर जो है पेशवा बाजीराव सेकंड कहां भागता है, अंग्रेजों के पास में। अब आप सोचो, मराठा साम्राज्य का जो पेशवा है वो अंग्रेजों के सामने घुटने टेका हुआ है, अब अंग्रेज ऐसा मौका जाना देंगे? अंग्रेज तुरंत पेशवा बाजीराव के साथ कौन सी 1802 के अंदर अंग्रेजों के पास चला जाता है और इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल होता है वेलेजली। वो तो बस ताकत में ही होता है कि कोई आए मेरे पास में, उनको मैं फंसाऊं संधि के अंदर और फिर एक 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 करके इनको पराजित करता है। ये भाग का अंग्रेजों के पास चला जाता है और अंग्रेजों के साथ ये जो है वो 1802 के अंदर बेसिन की संधि, इसका नाम है बेसिन, बेसिन की संधि, ये एक तरह की सहायक संधि है। अब सहायक संधि क्या है वो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है ना उसमें सहायक संधि पढ़ेंगे। बेसिन की संधि करता है, इस संधि के तहत जो शर्तें थी वो आप सुन लीजिए। ये संधि थी कि पेशवा की जो है अंग्रेज जो है वो पेशवा की सुरक्षा करेंगे, इसकी सुरक्षा के लिए पूना के अंदर एक अंग्रेजी सेना रहेगी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहेगा और उस सेना का खर्चा जो है पेशवा को देना, यानी मतलब जो सहायक संधि होती थी ना वो सहायक संधि की शर्तें इसके साथ कर ली जाती है। और इसके बाद में वेलेजली क्या करता है, एक एक करके एक एक जो है वो सरदार इसको भोसले को, होलकर को और सिंधिया को, तीनों को जो है वो पराजित करता है। सबसे पहले वो पराजित करता है भोसले को, भोसले को युद्ध में हराता है और युद्ध में हराने के बाद में इसके साथ देवगांव की संधि करता है, देवगांव की। अगला जो नंबर आता है वो नंबर आता है सिंधिया का। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट है क्योंकि पेशवा तो सुरक्षित हो ही चुका है। अब आप ये सोचो कि पेशवा के अंदर इतनी भी राजनीतिक समझ नहीं है, मतलब ये इन ये जो चारों थे ना, इन चारों में इतनी ज़्यादा बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि ये आपस में संघर्ष करने लग जाते हैं। और जब अंग्रेज भोसले को हरा रहा होता है तो दूसरे बैठ के आराम से देख रहे होते हैं। अगला नंबर आता है, चौथा नंबर जो है वो सिंधिया का। सिंधिया को वेलेजली पराजित करता है और इसके साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि करता है। आप ये लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन फिर भी चलो लिख ही देता हूँ, सुरजी अर्जुन, अर्जुन गांव की संधि। वैसे क्या है कि बस मुझे ये बताना था कि भोसले, सिंधिया और होलकर तीनों को अलग अलग युद्ध के अंदर पराजित करता है। फिर इसके बाद में अगला नंबर आता है होलकर का, होलकर का नंबर आता है और होलकर को पराजित करता है और इसके साथ राजपुर घाट की संधि करता है, राजपुर घाट की, राजपुर घाट की संधि करता है, ठीक है ना, ये तरह। और एक एक करके अब आप ये सोच के देखिए, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा तीनों मिलकर अगर अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण करते तो क्या अंग्रेजों की हिम्मत होती इनका मुकाबला करने की? कितने बड़े क्षेत्र को पर, ये बड़ौदा का है, ये बड़ौदा गुजरात के अंदर, ये इंदौर और ये ग्वालियर, ये एमपी वाला रीजन और ये नागपुर, ये मतलब कि ये इतना बड़ा रीजन है, इतने बड़े रीजन के अंदर मराठों का अधिकार था और एक एक करके तीनों मिलकर अगर अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते तो अंग्रेज इनके सामने कहीं नहीं टिकते। लेकिन उन्होंने एक एक करके मराठों को पराजित करते गया और इसके बाद में मराठों की लगभग शक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। ये हो गया युद्ध। अब इसके बाद में क्या आता, इसके बाद में गवर्नर जनरल बन के आता है, कौन बन के आता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन के आता है। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनता है, इसके समय जो है वो तीसरे युद्ध की शुरुआत होती है, तीसरा अंग्रेजों और मराठों के युद्ध की शुरुआत होती है। क्यों शुरुआत होती है कि लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो पिंडारियों के खिलाफ आक्रमण की शुरुआत करता है या पिंडारियों पर आक्रमण करता है। अब पिंडारे क्या होते थे कि जो मराठा सेना होती थी ना, मराठों में के अंदर सैनिक सहायता देते थे, मतलब पैसे लेते थे और मराठों को सैनिक सहायता देते थे। तो पिंडारियों के खिलाफ इन्होंने आक्रमण क्यों किया, आक्रमण इसलिए किया कि पिंडारी का एक लूटपाट करने वाली जाति थी, ये किसी भी राज्य में घुसते थे वहाँ से लूटपाट करते थे, इससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान थे।
अंग्रेजों ने कहा कि भाई इन पिंडारियों को सबक सिखाना पड़ेगा, और इसी समय लॉर्ड हेस्टिंग के समय पिंडारियों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं, और इसी से जो है वो तीसरे आंग्ल और मराठा मतलब अंग्रेजों और मराठों के संघर्ष की शुरुआत होती है। आपको पता है इसके अंदर मराठों की पराजय होती है, बाजीराव सेकंड को बुरी तरह से हार देते हैं, पूना को पर अंग्रेजों का अधिकार होता है, और इस बाजीराव सेकंड को कहाँ पर, कानपुर का एक स्थान होता है बिठूर, कानपुर के बिठूर स्थान को पर भेज देते हैं, और इसको मतलब कि वो यहाँ से पूना से निकाल के कानपुर के बिठूर स्थान को पर भेज देते हैं, और ये वहाँ पर उसको ऊपर किसके होता है पेंशन या वेतन के ऊपर वहाँ पर जी रहा होता, और इस प्रकार से मराठों को ऊपर ही अधिकार कर लेते हैं। यानी आप ये देखो कि ये अगर चारों मिलके सिंधिया, होलकर, भोसले और ये गायकवाड़, तो अंग्रेजों के सामने इनकी हिम्मत नहीं होती अगर कि जो सेना थी, लेकिन ये खुद पेशवा बनने के लिए कभी सिंधिया किससे लड़ रहा है, कभी भोसले किससे लड़ रहा है, कभी ये होलकर किससे लड़ रहा है, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इनको पराजित किया।